अंबर अंबर मैं आपको लाना चाहूंगा, अंबर मैं आपको लाना चाहूंगा। रवि श्रीवास्तव जी, रवि श्रीवास्तव जी वही बात कर रहे हैं जो इस देश की सेक्युलर गैंग कहती है। कैसे डिफेंस कर सकते हैं? अंधविश्वास क्या इस्लाम में नहीं है? अंधविश्वास या गलत धार्मिक मान्यता है क्या इस्लाम में नहीं है? उसके बारे में क्यों फिल्में नहीं बनती, बताइए अंबर जी। दीपक जी, हम सब जानते हैं कि वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर धर्म को लेकर टाइपकास्ट कर दिया जाता है। मुसलमान एक सच्चा और ईमान वाला दिखाया जाता है, हिंदू या पंडित आप देखेंगे तो वो दब्बू या थोड़ा सा कमजोर दिखाया जाता है। वहीं क्रिश्चियन को आप देखें तो एक शराबी दिखाया जाता है, और सिख को या तो कमकल या फिर एक हास्य पात्र दिखाया जाता है। तो ये एकदम टाइप कास्टेड होता है कि अगर आप इस धर्म के हैं तो आपको इस तरीके का कैरेक्टर दिखाया जाता है। और आप बात कर रहे हैं कि इसके आपने हिंदू धर्म में कुरीतियां हैं तो इसलिए वो दिखाए जाते हैं जो कि जनता देखना चाहती है। अभी हमने देखा एक रिसेंट वेब सीरीज लॉन्च हुई है आश्रम, जिसमें बॉबी देओल ने लीड कैरेक्टर में है। हम मानते हैं कि समाज की कुरीतियों को का जो को दिखाया जाना चाहिए, और फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसका इम्पैक्ट पूरे समाज पर और पूरी दुनिया पर हो सकता है, हम बहुत बड़े स्तर पर ला सकते हैं। तो क्या ट्रिपल तलाक, हलाला और ऐसे ही जो मुस्लिम समाज में कुरीतियां हैं उन पर फिल्म नहीं बननी चाहिए? या जो कुछ इस तरीके के मौलाना है, जिस तरीके का आश्रम में एक कैरेक्टर दिखाया गया है, किसी तरीके की फिल्म क्या ऐसी इन कुरीतियों पर नहीं बननी चाहिए जो मुस्लिम समाज में? क्या आप इसकी मांग करेंगे? क्या आप सिर्फ जनता हिंदू समाज की कुरीतियां देखना चाहती है? जवाब दीजिए रवि श्रीवास्तव जी, मांग कर दीजिए ना कि मुस्लिम समाज की कुरीतियों पर भी फिल्म बने। बताइए, आमिर खान को बोल दीजिए, अपील कर दीजिए। बिल्कुल अपील करेंगे, बिल्कुल अपील करेंगे। इन जो मुद्दे हैं उन पे फिल्म बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए? देश देखना चाहता है, वो भी देश देखना चाहता है। किसी भी धर्म में कुरीतियां हैं तो उन्हें दिखाया जाना चाहिए। एक जॉनर को चूज करते हैं, उस पर पैसा लगाते हैं, जनता को कैसा पता, कैसे पता कि आप कौन सी फिल्म बनाना चाहते हैं? आप तो खुद एक स्क्रिप्ट चुनते हैं, उस पर पैसे लगाते हैं। आप जो भी मुद्दा चुनेंगे, जिससे पैसा लगाएंगे, जिससे भी बड़ा स्टार लेके आ जाएंगे, उस पर फिल्म बन जाएगी। जिस कहानी को भी एक बड़ा स्टार करने के लिए तैयार है वो फिल्म हिट है। यही फिल्म हिट करने का फॉर्मूला है, सब जानते हैं इंडस्ट्री में। ये कहानी वो ये सलमान खान वाली कहानी अब खत्म हो रही है धीरे धीरे, कि वो सलमान खान की पिक्चर का ईद का स्लॉट बुक हो जाएगा, वो खाली ईद के दिन दिखाई जाएगी, या वो शाहरुख खान सलमान खान सब ईद मानते हैं, तब क्यों नहीं बोलते रवि श्रीवास्तव? बाला साहब तो बहुत बोलते थे, तब क्यों नहीं बोलते थे रवि श्रीवास्तव जब ईद मांगी जाती थी?